Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into quiet. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद शारिहा। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी, ये है अंडे आलू की रेसिपी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से बनाकर, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ मैंने ले लिए 6 अंडे और 2 आलू, इसको मैं तेज़ आँच में बॉयल कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं बॉयल कर रही हूँ अंडे और आलू को। यहाँ पर मैंने ले ली है 2 बड़े साइज़ की प्याज, और अदरक लहसुन को अच्छे से मिक्सर में मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ ले लिया 1 पिंच हल्दी, 2 चम्मच नमक, 3 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ ले ली है 1/2 चम्मच मेथी, 4 तेज़पत्ते और 2 दालचीनी के टुकड़े। यहाँ पर मैंने ले लिया 1/2 टमाटर। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ ले ली है कढ़ाई पैन, इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ तेल गरम हो रहा है, देख सकते हैं आप तेल गरम हो चुका है अच्छे तरीके से। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूंगी मेथी, बगार लगा दूंगी। इसके बाद डाल दूंगी तेज़पत्ता, दालचीनी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी इनको। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूंगी प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे तरीके से भूनूंगी मिक्स कर कर। अभी थोड़ा सा तेज़ आँच में भूनूंगी इसको, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी मसाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया, जो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है, और अच्छी तरीके से मिक्स कर कर धीमी आंच में भूनूंगी इनको। देखिए ध्यान रखिए, जब तक अच्छे से भूनेंगे नहीं ना तब तक मज़ा नहीं आएगा खाने में। यहाँ मैंने डाल दिया टमाटर, अच्छे से मिक्स करूँगी। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, आप देख सकते हैं मैंने पानी डाल दिया। अब इसको मैं 20 मिनट तक ढक कर रख दूंगी भुनने के लिए। तो यहाँ मैंने रख दिया है, यहाँ अंडा और आलू बॉयल हो चुके हैं 20 मिनट के बाद। मैंने यहाँ देखा मसाला अच्छे तरीके से भुन रहा है, देखिए इसको मैं और भूनूंगी। यहाँ मैंने आलू को अच्छे से कट करके ऐड कर दिया इसमें, और मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से भुनने दूँगी इसको, देखिए। अब मैंने यहाँ ले लिए अंडे बॉयल हुए, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ मैंने ले लिया एक पैन, इसमें डाल दिया ऑयल। अब एक एक करके मैं इसमें अंडे फ्राई कर लूँगी, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं अंडों को, आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाला अच्छी तरीके से भून रहा है हमारा, देख सकते हैं आप मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है। ये देखिए यहाँ पर अंडे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको मैं मसाले में ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी इन सबको। और देखिए जिसमें मैंने अंडे फ्राई किए थे वो ऑयल भी मैं बचा हुआ इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी ग्रेवी के लिए, आप लोगों की मर्ज़ी हो अगर डालिए, पानी ज़रूरी नहीं है, पर मुझे ग्रेवी थोड़ी सी चाहिए है ज़्यादा, इसलिए मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसको मैं 10 मिनट तक पकने दूंगी, और रेडी है हमारे अंडे आलू। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।